आइए जरा हम एक हदीसे रसूल की रोशनी में कंपैरिजन करते हैं दुनिया की नेमतों का और आखिरत की नेमतों का। हम लोग मरते हैं ना इस दुनिया की नेमतों पर, इस दुनिया के ऐशो आराम को हासिल करने के लिए हम यह भी भूल जाते हैं कि हम हलाल कर रहे हैं कि हराम कर रहे हैं, जायज क्या है नाजायज क्या है, सही क्या है गलत क्या है, कोई फिक्र नहीं है। बस एक ही हमारा मिशन है, एक ही टारगेट है कि हमारी दुनिया रंगीन होनी चाहिए, हमें दुनिया की नेमत मिलनी चाहिए। जरा आप यह हदीस रसूल देखें, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह सही मुस्लिम में यह हदीस लाए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कयामत के दिन एक आदमी को लाया जाएगा जो दुनिया में बड़े ऐशो आराम की जिंदगी गुजारा होगा, जिसने दुनिया में कभी कोई तकलीफ नहीं देखी होगी, सारी जिंदगी जिसने ऐशो आराम में गुजारी होगी, लेकिन अल्लाह ताला क्या वो आदमी जहन्नमी होगा? उसको लाया जाएगा और उसको लाने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते फयुस्बगु सबगतन फिन्नार, उसको एक पल के लिए जहन्नम में डाला जाएगा, एक पल के लिए जहन्नम में डाला जाएगा, निकाला जाएगा, जहन्नम में डुबकी लगाई जाएगी। उसके बाद अल्लाह ताला उससे पूछेगा, हल मर्रबी का नेमतुन कत्तू हल राई तखैरन कत्तू, ऐ मेरे बंदे जरा तू ये बता कि क्या तूने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐशो आराम देखा है, कभी कोई नेमत देखी है, कभी कोई अच्छी चीज देखी है? वही बंदा जिसकी सारी जिंदगी ऐशो आराम में गुजरी थी, एक पल के लिए जहन्नम में जाने के बाद वही बंदा जवाब देता है, अय अल्लाह मा रायतु खैरन कत्तु, मैंने कभी कोई नेमत नहीं देखी, मैंने कभी कोई भलाई नहीं देखी, मेरी तो पूरी की पूरी जिंदगी परेशानी में तकलीफ में गुजरी है। एक पल के लिए जहन्नम में जाने के बाद उस आदमी का माइंड डाइवर्जन हो जाएगा, उसकी सोच बदल जाएगी, सारी दुनिया की नेमतें भूल जाएगा। और इसके मुकाबले में एक दूसरा आदमी लाया जाएगा जो दुनिया में इंतहाई परेशान रहता था, तकलीफों में दुखों में हर किस्म की परेशानी में था, लेकिन जन्नती था। अल्लाह ताला उसको जन्नत में डाल के फौरन निकालेगा, सब गतल फिल जन्ना, उसको थोड़ी देर के लिए जन्नत में डाल के निकाला जाएगा। और उससे पूछा जाएगा, हल राई तशिद्दतन कत्तु, क्या तूने कभी कोई तकलीफ देखी, कोई दुख देखा, कोई परेशानी देखी? सारी जिंदगी तकलीफ देखी, लेकिन एक पल के लिए जन्नत में जाने के बाद वो बंदे अल्लाह का बंदा कहेगा, अल्लाह मा राई तशिद्दतन कत्तु, मैंने कभी कोई तकलीफ नहीं देखी। यह है दुनिया की नेमत और यह है आखिरत की नेमत। इन दोनों का कंपैरिजन अगर आप करना चाहें इस हदीस रसूल की रोशनी में कर सकते हैं। दारुल खैर फाउंडेशन, आइए हमारे साथ जुड़ें और खैर को आम करें।